व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के स्टार स्पोर्ट मैन से। इनके गले में जो मेडल्स हैं, मुझे भी हैरान कर रहे हैं। पता नहीं आने वाले दिनों में ये और कितने मेडल्स लेकर आएंगे, ये पूरी फैमिली, जिसके लिए हमें शायद ऑटोग्राफ के लिए मुझे क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, है ना? जी। ये आपके साथ ही मौजूद है, आपके साथ व्यूअर्स, लेफ्ट और राइट पाकिस्तान की अचीवमेंट्स भरी पड़ी है। एंड थैंक्स टू तहमीना कि आज आपने ये इतनी खूबसूरत गैदरिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की, और आज से मैं भी इस मेडल के बाद इस फैमिली की मेंबर बन चुकी हूँ। यू आर वेलकम शबाना, और हमें खुद बहुत खुशी है कि मेट्रो वालों ने हमारे इन सब प्लेयर्स को, इन सब चैंपियंस को ये मौका दिया कि आप यहाँ पर आए और इन सबसे मुलाकात करें, और इनको दुनिया के सामने इतने अच्छे तरीके से, जिस तरह दुनिया ने इनको अप्रिशिएट किया, हमारे पूरे पाकिस्तान के लोग भी इनको उसी तरह सराहा। ये हमारी एक प्राइम ड्यूटी है जी। अब जरा इन स्टार्स के बारे में तो बताइए, इतने अच्छे अच्छे स्माइल दे रहे हैं, मुस्कुराहटे। ये अपना नाम खुद बताएंगे, क्या नाम है बेटे? नोमान। नोमान जी, मेरा नाम हमाद बिन नोमान है। सद्दाम हुसैन। ये हमारे फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, और ये दो जो हैं ये यूनिफाइड पार्टनर्स हैं के तौर पे इन्होंने खेला था। नॉर्मल और जो जिस तरह चार नॉर्मल और चार स्पेशल बच्चों की टीम बना के, तो इन लोगों के फिर मैचेस हुए थे, तो इन्होंने पाकिस्तान ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स। अच्छा, क्यों ना मैं इनसे जानू, हमारा आप बताएं कैसा था इवेंट, जब गए थे तो कंफ्यूज हुए थे, थोड़े से नर्वस थे या कॉन्फिडेंस था? नहीं, कैसा लग रहा था वहां जब आप गए पाकिस्तान से बाहर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सामने वाली टीम के सामने जब आप खड़े हुए और कहा कि हमने जीतना है, सामने वाली टीम कुछ नहीं थी, हम सिर्फ थे। कौन सी टीम थी आपके सामने? पेरू, लक्समबर्ग एंड केनिया। और आपने किससे कॉम्पीट करके सिल्वर हासिल किया? हमने केनिया से हासिल किया। ठीक है, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि नेक्स्ट टाइम आप फाइनल जीत कर आए। जी इंशाल्लाह। ठीक है ना? क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था पीरू को, क्या हुआ? पीरू हम थोड़ा जीतने थे, हम हार गए, सब गोल्ड मेडल आगे जीते। किसने गलती की हमें उसका नाम बताओ। नोमान देखो कितने जोर जोर से हंस रहा है गलती करके। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक दफा गलती की, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, कोई बात नहीं। और आपने अभी इसी गेम को कंटिन्यू करना है? नो, इंशाल्लाह मैं आगे टेनिस खेलूंगा, तो प्रैक्टिस हो रही है। तीन चार गोल्ड मेडल लेके आऊंगा मैं। अच्छा, तीन चार गोल्ड मेडल भाई संभालोगे कहाँ? एक मुझे दे देना, एक मुझे भी पहनना है। दो आपको, दो मेरे। ओ वाह। चले, और वो आपके साथ कौन बैठे? सद्दाम हुसैन। अपने बारे में बताएं, कौन सा गेम खेला था आपने, मेडल कौन सा लिया था, मेडल कौन सा, जरा दिखाएं ऊपर करके। सिल्वर मेडल, वाह, दो है, दो सिल्वर मेडल लिए जी इन्होंने। डांस कॉम्पिटिशन, हाँ, एक नेशनल गेम्स का था और एक ये डांस कंपटीशन भी। ये देखें जनाब, फिर तो एक डांस परफॉर्मेंस पक्की बिल्कुल, हम आपकी और इनकी डांस परफॉर्मेंस। अच्छा, इन्होंने डांस परफॉर्मेंस जी, डांस परफॉर्मेंस भी वहां पे हुई थी, और इन बच्चों ने, हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। क्या बात है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने देखे मेडल हासिल किया, तो हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, और इस बच्ची से मैं 2 साल पहले उम्मीदगार रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिली थी, और ये मेरे बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। बिला तकल्लुफ का अगर प्रोमो आप लोगों ने देखा होगा तो ये बच्ची उस वक्त थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये बच्ची 300 बच्चों में से सेलेक्ट हुई और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आई। बिल्कुल, और गई भी ये पिशावर है, पिशावर गई थी अभी नेशनल गेम्स में, इन्होंने पार्टिसिपेट किया वहां पे, और इनकी अम्मी बहुत ज्यादा खौफजदा थी, मेरी बच्ची अकेली फर्स्ट टाइम जा रही है बाहर, कभी इन्होंने घर से, मतलब कराची से बाहर इन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया। असल पेरेंट्स डर रहे होते ना कि ये ना बोल सकते, exactly. बच्ची के बारे में बताती चलूं कि ना ये बोल पाती है, और सुनने का भी प्रॉब्लम है। लेकिन इस बच्ची को आप लोग लेके गए और इतने अच्छे तरीके, पहले यहाँ पे कैंप लगा, उस कैंप के अंदर इनकी ट्रेनिंग हुई, और उस ट्रेनिंग के बाद ये बच्ची पिशावर होकर आई, और इतना अच्छे तरीके से, और जब ये वापस आ रही थी ये मैसेजेस अपनी अम्मी को कर रही थी छोटे मोटे अपने कोच के थ्रू, और इतनी इनकी अम्मी भी इतनी एक्साइटेड थी, और वो खुद कहने लगी कि सब जाएंगे इसको लेने के लिए, और यकीन माने जब ये स्टेशन पे उतरी तो जोर जोर से चीखें मार रही थी, और इतनी एक्साइटेड थी कि मैं इतनी दूर होके आई हूँ, इतना मजा आया, मैंने इतने लोगों दोस्त बनाए, बहुत सारे दोस्त बनाए जी। जनाब हमारे साथ मौजूद है आरिश। आरिश, अपने बारे में बताएं पूरे पाकिस्तान को। जी, बैदर में। और ये जितने सारे मेडल्स मैंने बक्के हैं जी।
और कौन कौन से टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था? ये ब्रुनाई अभी रिसेंटली होकर आए हैं. बॉची हमारी एक गेम है जो बॉल रोलिंग वाली गेम होती है. तो उसमें माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के, पहले हमारा कैंप लगा हुआ था जिसमें आरिश, कराची से आरिश और एसन, ये दोनों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये लोग ब्रुनाई गए हैं और वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है. आपने डांस परफॉर्मेंस में भी पार्टिसिपेट किया था? ओ, आज तो हमारे पास भाई वर्सटाइल सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, स्टार्स मौजूद हैं. अच्छा, इनके साथ एक हादसा भी हुआ जी. बिल्कुल, आरिश क्योंकि फर्स्ट टाइम कंट्री से बाहर गए तो इनके थोड़ा सा ईटिंग प्रॉब्लम्स हो गई कि 3 दिन उन्होंने खाना कुछ नहीं खाया और बहुत ज़्यादा इनको वीकनेस हो गई. और लास्ट डे जिस दिन इनका फाइनल 4 डेज का इनका टूर्नामेंट था और लास्ट डे जब इनका वहाँ पे इनको इनके लिए रिसेप्शन रखा हुआ था और इस पे इनको डांस परफॉर्मेंस देनी थी, वहाँ पे ये बेहोश हो गई. अब वो एकदम से हम सब लोगों के लिए, वहाँ पे जो हमारी टीम गई हुई थी उनके लिए थोड़ा सा परेशानी की बात हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के इनको हॉस्पिटल लेके गए. सारे वहाँ पे बड़े केयरिंग लोग थे, बहुत अच्छे हमारे स्पेशल ओलंपिक्स की जितनी टीम्स वहाँ पे मौजूद थी वो लोग इसको लेके गए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से. क्या वो खाना क्यों नहीं खा रहे थे? निहारी नहीं मिली कि बिरयानी नहीं मिली? क्या पसंद है खाने में? मैंने मियां अच्छे बिरयानी अच्छी तो बोलते हैं ना वहाँ के लोगों को कि मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ, मैं खाना नहीं खाता ये. नेक्स्ट टाइम बोलना ठीक है जी. लेकिन उसके बाद इन्होंने शिबाना बहुत अच्छे तरीके से, जब एयरपोर्ट पे सब हमारी टीम का काफी लंबा स्टे ओवर था तो इन्होंने बहुत केयर की सब बाकी बच्चों की. तो ही इज सो सच अ केयरिंग चाइल्ड. ये भी तो रिस्पांसिबिलिटी होती होगी ना आप लोगों की टीम पर कि जो बच्चों को आप लेकर जा रहे हैं उनकी मेडिकेशन, उनका खाना पीना, उनका टेम्परमेंट. जी बिल्कुल. ये अपनी फैमिली को मिस करते हैं? मिस करते हैं, लेकिन वहाँ पे एज अ पहले से ही इनके कैंप्स जब लगते हैं ना तो उन्हीं कैंप्स में इनको ट्रेन कर दिया जाता है कि दे हैव टू स्टे विदाउट देयर फैमिली. और वो जो कोचेज और जो इनके साथ बाकी बच्चे जा रहे हैं वो सब, हालांकि इन लोगों को पता भी नहीं होता, दूसरे शहरों से वो बच्चे. और इन्होंने कौन से मेडल्स जीते? इन्होंने ब्रॉन्ज लिए, 3 ब्रॉन्ज मेडल. जरा दिखाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान को दिखाओ. आरिश खड़े हो जाओ. रिसेंटली ब्रुनाई से जो है पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल्स लेकर आए. और आप यकीन करें व्यूअर्स, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें आई थिंक हार्ड मैक्सिमम 40-50 तो कंट्रीज होती है. बिल्कुल, डेफिनेटली. और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आना बहुत बहुत बड़ी बात है. अब आप बैठ जाए आरिश साहब, आप स्टार हैं हमारे लिए. अब हम जरा राइट साइड पर जाएंगे क्योंकि राइट साइड पर भी हमारे स्टार्स हैं. स्टार्स हैं, आप तो स्टार हो ही. अब हम आगे थोड़े और दूसरे स्टार्स के पास. आपके पास, आपके पास क्या नाम है आपका? सही है, ओसामा सुबह. जी ओसामा, आपने क्या किस गेम में पार्टिसिपेट किया था? एथलीट में पार्टिसिपेट किया था 400 मीटर. ठीक है. और व्यूअर्स क्या करें, हमारे पास यहाँ पूरे तमीना के घर में स्टार्स बिखरे पड़े लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का. आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अपने स्टार्स से.